शायद उड़ ना जाए। तो गाइस देखिए कितना ही मस्त लग रहा है उड़ते हुए, देखिए चारों तरफ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो जान। तो कैसे हैं, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। सबसे पहले आ चुके हैं यहीं पर अपने को, मतलब यहाँ पर आते हैं रोज, आप लोग जानते ही होंगे, पीछे देख लीजिए बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। और तो बिना कुछ देरी किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अभी आपको बहुत से। आ चुके हैं घर की तरफ, लेकिन और देखिए हम आपको एक तगड़ा सा सीन दिखाते हैं। ये रही अपनी भैंस, और वो भी अपनी भैंस रही, लेकिन उसके पास देखिए कितना ही प्यारा प्यारा चिड़िए लोग, मतलब हम इसे अपने भाषा में बकुला बोलते हैं, आपके भाषा में इसे क्या बोलते हैं, लेकिन कितना ही मस्त लग रहा है गाइस। हम थोड़ा पास में जाकर दिखाते हैं, शायद उड़ ना जाए। तो गाइस देखिए कितना ही मस्त लग रहा है उड़ते हुए, देखिए चारों तरफ और भी कुछ। हम लेकर आए थे खाना और खा पी कर जा रहे हैं घर, और सो गए थे। आज बहुत तगड़ी नींद आ रही है, क्योंकि रात में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रहती है, तो रात में ज़्यादा देर तक जागना पड़ता है। तो आज से रात में जागना बंद, चाहे लाइट आए चाहे ना आए। तो चलिए हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे अभी इस ब्लॉग में, और तो हम ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, और गर्मी भी बहुत तेज़ हो रही है, तो हम नहा धोकर चलते हैं एकदम बाज़ार में, आपको मिलते हैं सीधा। उससे पहले लेकिन हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि हमने एक पेड़ लगाया था, तो देखिए कितना मस्त हो चुका है। तो ये रहा अपना पेड़, इसको हमने थोड़ा मतलब ढक दिया था, क्योंकि यहाँ पर मतलब छोटे जानवर आते रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ होता रहता है। तो देखिए कितना मस्त लग रहा है चारों तरफ, और शाम हो गई है, और जो जो भैंस है हमारी, जो हम उधर से थोड़ा आपको दिखाएंगे, तो उसको अंदर करेंगे, और उसके बाद हम मतलब जाएंगे घर नहा धोकर, उसके बाद बाज़ार जाएंगे। तो अगर हो सके तो बाज़ार की वीडियो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलाउ नहीं रहता है, सारा सब लोग चोर और रहते हैं, तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं रहता, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि बाज़ार का भी वीडियो दे। तो गाइस यो रही अपने सामने, एक में जोड़ी बांध दिए हैं, एक है भैंस एक है गाय, तो यो अपनी भैंस और गाय नहीं है, तो ये रही अपनी दोनों भैंसे, छोटे छोटे हैं। और देखिए सामने कितना ही प्यारा मौसम है, सूरज डूब रहा है, और ये अपने हाथ में है एक हथौड़ी, जिससे हम उसकी रस्सी वस्सी खोल लेंगे। तो बहुत ही तगड़ा मौसम है, तो हम हथौड़ी लेकर चल पड़े हैं, और देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली भरी हुई है। और देखिए शाम के मौसम में ना तो कितना ही क्यूट मौसम, और कितना ही झकास मौसम लग रहा है, तो हम आपको सूरज जूम करके दिखाएंगे, एकदम लाल होकर जैसे लग रहा है कि गाय